हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हरीश रावत ने दौरा किया। हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए हरीश रावत पहुंचे। हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जिस तरीके से देखा गया, उनका दौरा करने के लिए पहुंचे, हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। उन्होंने हरिद्वार का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे थे तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं जब हरीश रावत यहां पर पहुंचे थे। बाढ़ का पानी अभी भी यहां पर है, जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ा हुआ है और इस जलस्तर में खड़े हुए हरीश रावत, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से जलस्तर अभी भी है और उसी बाढ़ के पानी में हरीश रावत खड़े हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे, किस तरीके के हालात हैं वहां पर लोगों से बातचीत की, खेतों में भी पहुंचे और जो आम लोग हैं देखिए आसपास आप उनको भी देख सकते हैं। हरीश रावत ने इन आम लोगों से भी बातचीत की जो कि इस बाढ़ के पानी का सामना कर रहे हैं, जो कि इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। कितना बाढ़ का पानी ये आप देख सकते हैं। हरिद्वार में बाढ़ के या पानी भराव के जो भी कहिए, अतिवृष्टि कहिए, 11 दिन बाद भी कई क्षेत्रों में स्थितियां चिंताजनक हैं। कुछ शहरों तो छोड़ लीजिए, गांव के इलाकों में भी आज मैं महाराजपुर खुर्द, महाराजपुर कला, गंगदासपुर, बालावाली, जो ये सब क्षेत्रों में गया था, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। अभी ये जौरासी में आया हूँ तो यहाँ भी खेती तो बर्बाद है ही है, पूरी की पूरी जो है पानी भरा हुआ है। और ये जौरासी का पुल जो खादर के बहादुर लोगों को एक तोहफे के रूप में भारत सरकार ने दिया था और ये पुल खतरे में है। अब जब तक सौलानी में बात बात करके इसको ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये पुल जो है, इस पुल का अस्तित्व खतरे में।